हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है किशोर साहा। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली स्टूडेंट्स या ज्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है, टाइम शेयर और कॉन्डोमिनियम के बारे में। ये टाइम शेयर होता क्या है और कॉन्डोमिनियम के बारे में होता क्या है, ये इसके बारे में हम एक शॉर्ट में बताता हूँ। सी, टाइम शेयर क्या होता है, फर्स्ट कर लो कि मेरा एक खुद का एक होटल है जिसमें 500 रूम्स है, ठीक है। अब वो 500 रूम्स को मेरे को दो तरीके से देना है, टाइम शेयर्स और कॉन्डोमिनियम के तरीके से देना है। अब मेरे होटल्स में रेस्टोरेंट्स भी है, स्विमिंग भी है, स्पा भी है, तो नॉर्मल जो गेस्ट आता है और मेरे रूम्स बुक करते हैं तो वो स्विमिंग पूल यूज करता है, जिम यूज करता है फ्री में, स्पा यूज करता है फ्री में, और रेस्टोरेंट में अगर डिस्काउंटेड है या कुछ भी उनको कॉम्प्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करता है। तो ये नॉर्मल जो गेस्ट है वो मेरे होटल्स में आके इसको पे करता है, तो ये सब चीज एंजॉय करता है। अब टाइम शेयर और कॉन्डोमिनियम का इसमें क्या डिफरेंशिएट है, समझो मैंने एक मेंबरशिप लॉन्च किया हुआ है और वो मेंबरशिप में मैंने 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का वैलिड रखा हुआ है। हर साल वो मेंबरशिप में गेस्ट 4 नाइट के लिए आता है, कोई अलग अलग 6, 7, 8 भी रखता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो 4 नाइट के लिए आता है, तो वो 4 नाइट के लिए यूज करता है मेरा जगह को, और हर साल ऐसा 4 नाइट करके, मतलब 5 ईयर्स × 4 नाइट, मतलब 20 नाइट यूज करता है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होता है, वो आता है तो खाली रूम यूज करता है, अदर फैसिलिटीज जैसे स्पा हो गया, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वो सब्जेक्ट टू डिपेंड करता है कि उसको वो वैलिड है या नहीं है। तो वो बंदा मेंबरशिप लेता है, मेंबरशिप लेके वो होटल्स को यूज करता है 5 साल के लिए। तो ये हो गया टाइम शेयर, मतलब मैंने अपना रूम जो है, या मैं अगर एज ए गेस्ट हूं, मैंने कोई होटल्स का टाइम खरीदा है 4 नाइट्स के लिए एज ए मेंबरशिप फॉर 5 ईयर्स और 7 ईयर्स और 20 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड टाइम शेयर। इसमें हो सकता है कि सब फैसिलिटीज यूज करने ना मिले, कुछ फैसिलिटीज यूज करने मिले। अच्छा, अगर मैंने वो मेंबरशिप लिया हुआ है, समझो फॉर एग्जांपल किशोर शाह ने वो मेंबरशिप लिया है, तो वो खाली किशोर शाह ही यूज करेगा और कोई यूज नहीं करेंगे। अगर आप यूज नहीं करते वो साल में, तो अगर कंडीशन है तो वो लैप्स का कंडीशन तो लैप्स हो जाएगा, या अगर उसको एक्यूमुलेट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो शायद वो डिपेंड करता है कि मेंबरशिप क्या है, तो वो शायद एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो। तो ये है टाइम शेयर। कॉन्डोमिनियम क्या होता है, कॉन्डोमिनियम में ऐसा होता है कि मेरे पास 500 होटल है और किसी ने मेरे से 4 रूम बुक कर लिया है, और वो 4 रूम इधर वो 5 साल के लिए कंटिन्यूस बुक किया है, और बुक कर समझो कंटिन्यूस उसने बुक किया हुआ है, तो वो अपना जो रूम है इधर वो रूम को खुद यूज करे, सेल करे, गिफ्ट करे, एक्सचेंज करे, किसी को भी दे, वो दे सकता है। अभी मैंने 5 साल के लिए अगर मैंने वो 4 रूम बुक किया हुआ है, या 1 रूम भी बुक किया हुआ है, और मैं उसको सेल करता हूँ, गिफ्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ उसको, मेरे को वो अथॉरिटी है, डजेंट मैटर वो किशोर शाह हो या कोई और आदमी हो, वो मैं कर सकता हूँ विथ ऑल दी फैसिलिटीज विच इज देयर इन दी होटल, लाइक स्विमिंग, स्पा, जो भी जो नॉर्मल गेस्ट को मिलता है, वो सब गेस्ट का जो यूटिलिटी होता है वो यूटिलिटी मैं कर सकता हूँ। तो ये है कॉन्डोमिनियम का एग्जाम्पल। अब 4 महीने अगर रूम बुक कर लिया है, 4 रूम बुक किया, तो उसमें भी 2 कंडीशन है। उसमें एक होता है कि मेरा रूम को लॉक एंड की, मेरा रूम को कोई टच नहीं करे, एक दूसरा कंडीशन में भी वो जा सकता है, वो ऐसा है कि मेरे जो रूम है वो मेरे टाइम पे मुझे मिलना चाहिए, बाकी चाहिए तो वो होटल किसी और को सेल करना है तो सेल कर सकता है, दैट इज वी कॉल कॉन्डोमिनियम। तो ये जो 2 चीज का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है। इन डिटेल्स में आपको जाना है तो मेरा एक वेबसाइट है दी होटल स्किल्स करके, उसमें ब्लॉग्स में लिखता हूँ,
तो ये जो टाइम शेयर और कॉन्डोमिनियम जो है उसको मैंने अच्छे से डिफरेंशिएट करके बेटर वे से कुछ और पॉइंट से समझाया ताकि आपको समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।